फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक और दो नंबर कान्हा जी के लिए ये प्यारी सी ड्रेस बनाना बताऊंगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने चोली बनाकर रेडी कर ली है और साइड से मैं अपना वर्क स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर मैं एक दो तीन तीन चैन करने के बाद इसी होल में मैं एक बार और डबल क्रोशिया करूंगी और नेक्स्ट में मैं एक बार डबल क्रोशिया करूंगी, उससे नेक्स्ट में दो बार, इसी तरह से एक में एक बार और नेक्स्ट में दो बार डबल क्रोशिया करते हुए मैं इस पूरी रो को बनाकर कंप्लीट करती हूँ। अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर थर्ड चैन में जाकर मैं इसको स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइंट करूँगी इस तरह से। अब यहाँ पर एक दो तीन तीन चैन करने के बाद जो हमारा ये डबल क्रोशिया है उसके ऊपर इस तरह से मैं फ्रंट पोस्ट करूँगी। जिस होल में हमने दो डबल क्रोशिए किए हैं उन दोनों को मैं इस तरह से फ्रंट पोस्ट करूँगी और जो बीच में एक डबल क्रोशिया है उसके ऊपर मैं आप दो बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी, एक और यहाँ पर एक बार और दो बार हो गया। अब जो देखिए इसमें दो डबल क्रोशिए हैं तो पहले को मैं इस तरह से उठाऊंगी और उसको इस तरह से फ्रंट पोस्ट करना है और जो ये सेकंड वाला है उसको भी इस तरह से उठाएंगे और फ्रंट पोस्ट करेंगे। इन दो डबल क्रोशियों को हर राउंड में फ्रंट पोस्ट ही करना है और बीच में अब के बार हमारा एक डबल क्रोशिया है तो एक के ऊपर दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक यहाँ पर बना दिया हमने, एक यहाँ पर बनाएंगे और फिर से फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। हर एक राउंड में हमें एक एक डबल क्रोशिया इंक्रीज करते हुए जाना है। जैसे हमने यहाँ पर एक के ऊपर दो बनाए, नेक्स्ट राउंड में हम दो के ऊपर तीन बनाएंगे। इसी तरह से मैं इन पूरी रो को बनाकर कंप्लीट करती हूँ। जितना बड़ा घेरा आपको रखना है उतना बड़ा आप बनाकर रेडी कर लें इस तरह से। एक के ऊपर दो बार डबल क्रोशिया किया और जो ये हमारा डबल दो डबल क्रोशिए हैं पहले वाले को उठाएंगे और इस तरह से फ्रंट पोस्ट करेंगे और नेक्स्ट को उठाएंगे उसे भी हम फ्रंट पोस्ट करेंगे इस तरह से। इसी तरह से मैं अपना पूरा घेरा बनाकर रेडी करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये बनकर रेडी हो गया है और यहाँ पर से मैं अब इस धागे को कट कर देती हूँ। अब मैं पिंक कलर के धागे से अपना वर्क स्टार्ट करूंगी। यहाँ से मैं पिंक कलर जॉइंट करूंगी इस तरह से, स्लिप स्टिच के साथ मैंने यहाँ पर पिंक कलर को जॉइंट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर एक दो तीन तीन चैन करने के बाद इस तरह से यहाँ पर लूप लेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया हमें इस तरह से बनाना है। देखिए पहले यहाँ पर एक लूप निकालेंगे फिर यहाँ पर दो को निकालेंगे और इसको हम पूरा नहीं बनाएंगे, यहाँ तक इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर से यहाँ पर इसी होल में डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसी तरह से पहले एक को निकालेंगे और फिर से एक को। अब हमारे पास ये तीन डबल क्रोशिया हो गए। अब इन तीनों को मैं एक साथ इस तरह से निकाल दूंगी, ये हमारे पास पत्ती की तरह बन गई। अब देखिए इसको यहाँ पर इस तरह से जॉइंट करेंगे। अब यहाँ पर एक दो तीन तीन चैन करने के बाद सेम स्टिच में मैं फिर से एक बार और इसी तरह से तीन डबल क्रोशिए की लीफ बनाऊंगी। डबल क्रोशिया हमें इसी तरह से बनाना है, पहले एक को निकालेंगे
और फिर इन दो को निकालेंगे और लास्ट में जो ये हमारे पास रह जाएगा उसको हम निकालेंगे नहीं। फिर से यहाँ पर इसी होल में हम एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे, टोटल हमें तीन बार करना है। देखिए ये हमारे पास दो लूप हो गए, चैन वाले लूप को हम नहीं गिनेंगे। फिर से यहाँ पर एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे, एक को निकाला, फिर यहाँ से दोबारा से एक को निकाला। ये अब हमारे पास देखिए टोटल तीन डबल क्रोशिया हो गए, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। और अब इन तीनों को हम एक साथ निकालेंगे, चारों को इस तरह से। अब इसको इस तरह से नोट लगा देंगे, देखने में कुछ इस तरह से लगेगी, देखिए पत्ती की तरह। अब यहाँ से देखिए एक दो तीन, तीन स्किप करके फोर्थ में हम फिर से यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। एक को निकाला, फिर यहाँ से दो निकाले। अब हमारे पास ये एक डबल क्रोशिया हो गया, एक निकाला, ये हमारे पास दो डबल क्रोशिया हो गए और इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तीन की हमें तीन डबल क्रोशिया की पत्ती बनानी है। एक इस तरह से, अब एक निकाला, फिर यहाँ से दो निकाल लेंगे। अब हमारे पास ये टोटल तीन हो गए, अब इनको एक साथ निकाल लेंगे इस तरह से, और इसको यहाँ पर इस तरह से नोट लगा देंगे। फिर यहाँ बीच में हम एक दो तीन, तीन डबल क्रोशिया करेंगे और सेम होल में हम इसी तरह से एक पत्ती और बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाया, डबल क्रोशिया हमें इस तरह से बनाना है, देखिए इसको हम पूरा नहीं बनाएंगे। एक निकालना, ये हमारे पास दो हो गए, अब इन चारों को मैं एक साथ निकाल दूंगी। देखिए ये देखने में कुछ इस तरह से बनता चला जाएगा और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं अपना पूरा राउंड कंप्लीट करती हूँ। और बीच में हमें यहाँ से देखिए, यहाँ से ही हमें स्टार्ट करना है, एक स्किप करना है, दो और तीन, फोर्थ में हम फिर से यही रिपीट करेंगे और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं अपना पूरा राउंड कंप्लीट करती हूँ। मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर थर्ड चैन में जाकर मैं इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूँगी इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर मैं अपना ये जो पर्पल कलर है वो वाला कलर अटैच करूँगी। इस तरह से मैं क्रोशिया हुक में जो यहाँ इनका सेंटर है उसमें मैं यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया करूँगी पर्पल कलर से। अब देखिए अब जहाँ पर हमने ये चैन बनाई थी तीन की चैन, उस होल में जाएंगे और उसमें मैं पांच बार डबल क्रोशिया करूँगी। एक दो तीन, चार, पाँच, पांच बार डबल क्रोशिया करने के बाद अब मैं यहाँ पर आऊँगी जहाँ पर मैंने ये इसको इस तरह से जॉइंट किया है, वहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया के साथ इसको इस तरह से जॉइंट करूँगी। और फिर मैं बीच के इस तीन की चैन वाले होल में आऊँगी और उस होल में मैं पांच बार डबल क्रोशिया करूँगी। दो तीन चार पाँच, पाँच डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर आकर मैं इसको
सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करूँगी और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं अपना ये पूरा राउंड बनाकर कंप्लीट करती हूँ। वर्क के एंड में आ गई हूँ और जहाँ पर मैंने ये सिंगल क्रोशिया किया था उसी के टॉप पर जाकर मैं इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करूँगी इस तरह से, और एक चैन लेकर इस धागे को मैं यहाँ से कट कर दूँगी। अब देखिए एक राउंड हमारा और रह गया। अब जो हमने ये पांच डबल क्रोशिए बनाए हैं उसके फर्स्ट वाले में जाकर मैं पिंक कलर से यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया करूँगी। अब नेक्स्ट वाले में जाएंगे, नेक्स्ट वाले में हम एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर यहाँ पर एक दो तीन चार, चार चैन लेने के बाद यहाँ से ये अगले दो लूप उठाएंगे और यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये हमारा एक पर्ल बन जाएगा। अब नेक्स्ट वाले में जाएंगे, वहाँ पर एक बार हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से एक दो तीन चार, चार चैन करेंगे और अगले ये दो लूप उठाकर इस तरह से, जब ये हमारे पास दो रह जाएं तो दो का हमें एक करना है। अब नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट में फिर से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और यहाँ पर एक दो तीन चार, चार चैन करने के बाद अगले ये दो लूप उठाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ इस तरह से ये हमारे पर्ल बन जाएंगे। अब हम नेक्स्ट में जाएंगे और वहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। देखिए बीच वाले तीनों के ऊपर हमें पर्ल बनाना है और साइड में दो हैं उनके ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर यहाँ पर इस तरह से लूप लेंगे क्रोशिया हुक में और जो हमने ये पत्ती बनाई थी उसको इस तरह से नीचे से इस तरह से उठाएंगे और यहाँ से इसको धागे को इस तरह से थोड़ा लंबा करेंगे और यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से क्रोशिया हुक में लूप लेंगे और जो हमारी नेक्स्ट पत्ती है देखिए इस तरह से बैक साइड से लूप लेंगे और यहाँ से डबल क्रोशिया बनाकर इसको इस तरह से कंप्लीट करेंगे। अब देखिए हमें जो हमारा ये अब बीच में फाइव डबल क्रोशिए हैं उनके ऊपर अपना वर्क करेंगे। फर्स्ट वाले में जाएंगे और फर्स्ट वाले में एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में जाएंगे वहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर यहाँ पर एक दो तीन चार, चार चैन करने के बाद अगले ये दो लूप उठाएंगे और यहाँ पर एक पर्ल बना देंगे। फिर से नेक्स्ट में जाएंगे वहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे एक दो तीन चार, चार चैन करने के बाद यहाँ फिर से अगले दो लूप उठाकर इस तरह से क्रोशिया हुक में डालेंगे। जब हमारे पास ये दो रह जाएं तो दो का एक करना है, ये हमारे पास पर्ल बन जाएगा। अब नेक्स्ट में जाएंगे उसमें भी इसी तरह से हम पर्ल बना देंगे। अब लास्ट वाले में जाएंगे उसमें हमें सिर्फ सिंगल क्रोशिया करना है, वहाँ पर पर्ल नहीं बनाना इस तरह से। अब देखिए अब क्रोशिया हुक में इस तरह से लूप लेंगे और जो हमारे पास ये पत्ती है उसको इस तरह से देखिए इस तरह से पूरी पत्ती को उठाएंगे और यहाँ से बैक साइड से दो का एक किया, फिर दो लूप रह गए उनका भी एक किया। यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशिया करना है, फिर से क्रोशिया हुक में लूप लेना है और नेक्स्ट वाली पत्ती में जाएंगे उसे इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पर फिर से डबल क्रोशिया करना है। इस डबल क्रोशिए को हम थोड़ा लंबा रखेंगे। फिर से हमें अपना जो पांच डबल क्रोशिया है उसमें फर्स्ट वाले में जाएंगे और वहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे सेम उसी तरह से जैसे हमने इनमें किया है, और इसी तरह से मैं अपने पूरे राउंड को बनाकर कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और लास्ट में देखिए यहाँ पर भी हमें जो इधर की साइड ये हमारा
ये जो पत्ती बनी हुई है इसमें भी हमें डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे और हमें लास्ट में इसे जॉइंट कहाँ करना है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था स्लिप ये सिंगल क्रोशिया के साथ, उसी होल में जाकर हम स्लिप स्टिच के साथ इसे कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ से एक चैन लेकर इस धागे को मैं यहाँ से कट कर दूंगी इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर पर्ल लगा कर अटैच कर दिए हैं और ये देखने में कुछ इस तरह से लग रही है। ये हमारे एक 0 और 1 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है। आपको ये कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।